आचार संहिता के दौरान जीआरपी इंदौर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जबलपुर एक्सप्रेस से सफर कर रहे 3 अलग अलग लोगों से करीबन 6 लाख रुपए बरामद किए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल एडिशनल एसपी राकेश खाका के निर्देश पर चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने, किसी तरह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने, पैसों के अवैध रूप से लेन देन पर नजर रखने, लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने, मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसको लेकर सचेत रहने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में इंदौर जीआरपी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते 3 अलग अलग लोगों से करीब 6 लाख नगद रुपए बरामद हुए हैं। जबलपुर एक्सप्रेस से ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये आ रहे थे पृथक पृथक। इसमें एक व्यक्ति से 3,50,000 रुपये, एक व्यक्ति से 1 लाख और एक से 1,59,000 रुपये जब्त कर जो एसएसटी की टीम है इसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह जो है कुल अभी तक की कार्रवाई में अभी तक जीआरपी इंदौर द्वारा लगभग इसी तरह कार्रवाई करके लगभग 18 लाख रुपीस जो है रिकवर अभी तक कर लिया है। इसके अतिरिक्त लगातार इसी तरह की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। एसएसटी टीम के साथ में सहयोग के साथ में हम कार्रवाई करी जा रही है। ओवरनाइट नहीं, जगह अभी तक की जो कार्रवाई हुई है विशेषकर जो ओवरनाइट से आप बता रहे हैं कि ओवरनाइट की जो ट्रेन है उसमें ज़्यादातर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त भी शेष रतलाम में भी कार्रवाई की गई है। तो अलग अलग पृथक पृथक जगह हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उज्जैन में भी कार्रवाई की है। तो लगातार जितने ट्रेन्स में ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उस तरह से हम लोग कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर अब तक अलग अलग मामलों में करीब 18 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ज्यादातर ऐसे मामले ओवरनाइट एक्सप्रेस में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अमृत राय, विजय और ललित सोलंकी से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।